हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु, पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य, कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। सच्चिदानंद, जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। ओ द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय गंगा। आयन सुर धरणी अद्भुत करनी, मर मन जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत दोतीतम चरित पुनीतम, विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। ऋषि बासर झावहीं, गुणगन गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु, पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य, कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व किसी के हाथों से वो मारा नहीं जाएगा। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए, पाप की ज्वाला में मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है करुणा निधान। जब वो अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा हो। असुरों के आतंक से धर्मशील जनता चीत्कार कर रही है, उसके सैनिक लोगों को त्रास दे रहे हैं, राक्षस साधु जनों का खून पी रहे हैं। प्रभु, आज अबलाओं की लाज और मानव की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं रहा। आज वो अवस्था आ गई है, यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। सच्चिदानंद। देवादिदेव प्रणाम। हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी श्रम करेगा, परिश्रम करेगा,
तपस्या करेगा उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। उसी विधान को निभाना आपका कर्तव्य है प्रभु। धरती पर जब भी कोई जालिम प्राणी मात्र को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर देता है तो एक सच्चा इंसान उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी, उसकी रक्षा करेगी। जिस दिन यह विश्वास टूट जाएगा कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, उस दिन कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। समाज बिखर जाएगा, धरती सूर्य चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल देंगे, सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ठीक कहते हैं प्रभु, यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और बानर के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर में जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म का साथ दें, वहां उन्हें एक ही विश्वास हो कि अंत में सच्चाई की जय होगी। तारी सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते, 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 सत्यमेव जयते।